दोस्तों सब्सक्राइब बटन को दबा दें और घंटे की आकार के बेल घंटी को भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज बात करेंगे गंधर्व साधनाओं के बारे में और भेजने वाले हैं पुष्प प्रकाश तिवारी जो हमेशा कुछ ना कुछ साधनाएं भेजते रहते हैं। तो पहले जान लेते हैं कि गंधर्व जाति है क्या, इसके संबंध में क्या वर्णन आता है पुराणों ग्रंथों में, और फिर उनके पत्र को पढ़ेंगे और जानेंगे कि उन्होंने गंधर्वों के विषय में कौन कौन सी साधनाओं का उद्घाटन किया है। सबसे पहले तो जान लीजिए कि गंधर्व जो हैं वो उनके दो और नाम होते हैं, जैसे गातु और पुलम दो नाम आते हैं। और महाभारत में जो है गंधर्व नाम की जाति का उल्लेख सबसे पहले हुआ था, जो कि पहाड़ों और जंगलों में रहा करती थी, यानी कि जो राग बद्धता से संगीत से जीवन व्यतीत करते थे, उनकी कलाओं में व्यतीत करते थे, उनको जो है आप गंधर्व जाति मानते थे। अजंता में भी जो है अजंता की जो चित्रकारी है वहाँ पर भी उड़ते हुए बहुत सारे गंधर्वों का चित्रांकन किया गया है। और प्राचीन समय में काफ़ी से जब हमारे प्राचीन भारत की बात करते हैं तो उस समय भूतों और यक्षों में जिस तरह से लोग विश्वास करते थे, ठीक उसी तरह गंधर्वों में भी विश्वास किया जाता था। ये तक भी कहानियाँ सामने आती थी कि गंधर्वों ने आकर के यहाँ की युवतियों यानी मानवी कन्याओं से विवाह किया, ठीक इसी तरह से जैसे पुरुष जो है यहाँ के जो है कई अप्सराओं से उनके विवाह हुए थे। कहते हैं कि महाभारत के अनुसार अर्जुन जो थे वो गंधर्वों से ही उन्होंने अस्त्र और शस्त्र प्राप्त किए थे, उनसे विद्या शक्तियाँ प्राप्त की थी, उन्हीं से उनको अश्व यानी कि घोड़ा भी मिला था और कीचक नाम का एक गंधर्व का जो है वध भी करता है। तो इसी तरह से एक और वर्णन आता कि ययाति से प्रश्न किया था कि क्या वो गंधर्व है, और चित्ररथ में अनेक गंधर्वों के नाम उन्होंने गिनाए थे। तो जो स्वर्ग लोक है वहाँ से संबंध है विशेष रूप से गंधर्व जाति का, और ये सूर्याग्नि के प्रतीक माने जाते हैं, यानी सूर्य की जो अग्नि है उसको। और यही नहीं, वैदिक में भी जैन में भी बौद्ध ग्रंथों में भी गंधर्वों और अक्षों की उपस्थिति बताई गई है और उनके बारे में वर्णन दिया गया है। गंधर्वों का अपना लोक होता है और देवताओं के समान ही इस जाति का उल्लेख किया गया है। भिन्न भिन्न प्रकार से जो है इनका नाम अलग उल्लेख होता है। पौराणिक उल्लेख में अगर बात की जाए तो ये कश्यप और उनकी पत्नी अरिष्टा से जन्म इनका हुआ था, यानी कि इस प्रजाति का। और हरिवंश पुराण में इनको ब्रह्मा जी की नाक से उत्पन्न हुआ माना जाता है। गंधर्वों में जो प्रधान है वो चित्ररथ माने जाते हैं और उनकी पत्नियाँ अप्सराएं कहलाती। विष्णु पुराण में भी कथा आती है कि किस प्रकार से गंधर्वों ने पाताल के नागों से युद्ध करके अनंत धन और नगर जो है वो सब छीन लिया था, और नागों की प्रार्थना पर फिर विष्णु जी ने पुरुकुत्स के रूप में जन्म लेकर उनकी रक्षा का वचन दिया। इस पर जो है नागों ने अपनी जो भगिनी नर्मदा के साथ वो लोग पाताल लोग जाकर गंधर्वों का पराभव किया था, उन्हें हराया था। तो इस प्रकार से बहुत सारे वर्णन आते हैं। और अगर आज की स्थिति में देखी जाए तो एक फ्रेंच विद्वान है जिनका नाम प्रिजलुस्की है, उनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है इंडियन कल्चर, उसमें गंधर्वों के संदर्भ में उनको गर्धव से जोड़ा गया है, क्योंकि गंधर्व गर्धवानादिन की तरह से जो है माना जाता है। अब क्यों माना जाता है ये नहीं मुझे समझ में आया, लेकिन उन्होंने जो है इसका वर्णन इसी तरह से किया है। और उन्होंने ये कहा है कि गंधर्व जैसे गर्धवों में यानी कि गधों में जो है बहुत ज़्यादा कामुकता होती है, उसी तरह गंधर्वों में भी कामुकता अत्यधिक होती है, उनके अंदर काम भावना बहुत ज़्यादा मानी जाती है। तो ये था जो है एक वर्णन छोटा सा जो है कि गंधर्व आखिर हैं कौन और इनके संबंध में हमारे प्राचीन ग्रंथ क्या कहते हैं। अब जानते हैं कि चलते हैं इनके पत्र को पढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या बताने की कोशिश उन्होंने की है और किस प्रकार से हमारे लिए ये साधनाएँ उपयोगी हैं। शीर्षक है गुप्त प्राचीन प्रमुख गंधर्व परिचय और साधना। धर्म रहस्य चैनल को प्रेषित साधना। सर्वप्रथम धर्म रहस्य चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों एवं सभी साधक मित्र भाई बहनों को मेरा नमस्कार, साथ ही भाई साहब को मेरा प्रणाम। मेरा नाम पुष्प प्रकाश तिवारी है। पिछले वीडियो में मैंने आपको के समक्ष प्राचीन साधनाओं की श्रेणी में अग्नि बेताल से जुड़ी जानकारी और साधना के कुछ प्रकारों के विषय में जानकारी प्रदान की थी। आज मैं आपको गंधर्व राज के परिचय के साथ कुछ प्रमुख
गंधर्वों की साधना के विषय में जानकारी देना चाहता हूँ, जिससे प्राचीन समय तक तरह ही इस गंधर्व साधनाओं के विषय में सारी जानकारी एक जगह इकट्ठा की जा सके और इसके माध्यम से ज़्यादा लोगों तक इसको पूर्ण कृपा इनकी पहुँचाई जा सके। इसके माध्यम से वह अल्प समय में उद्देश्यों की पूर्ति अपनी कर सकेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भला हो सकेगा। तो इस विषय में पूर्ण योग के मार्गदर्शन या तीनों हमको साधना सर्वाधिक सफलता दिलाता है और इसके अवसर भी प्रदान करते हैं। इसकी साधना की नकारात्मक को दूर करने में हमें पूर्ण सहयोग भी प्रदान करते हैं, बशर्ते साधक की जो भावना है और उद्देश्य वो सही हो। गंधर्व साधना भौतिक सुख, समृद्धि, बल, संगीत, वैभव और प्राकृतिक रहस्यों को जानने के लिए बेतालों के बाद द्वितीय नंबर पर यह साधना आती है। ये साधना प्राचीन समय से प्रचलित रही है। हमारे पुराणों में भी गंधर्वों का उल्लेख आया है। यक्ष, नाग, किन्नर की तरह यह भी देवताओं की श्रेणी में माने जाते हैं। वैसे तो गंधर्व लोक में एक से एक बलवान, संपन्न, भगवत भक्त गंधर्वों का निवास है, जिनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण गंधर्व राज विश्ववसु माने जाते हैं। एक पुराणोक्त कथा के अनुसार ये महासती मदालसा के पिता माने जाते हैं और सभी गंधर्वों की साधना से पूर्व कुछ इनका ध्यान इस प्रकार से करें, इन्हें कल्पवृक्ष के नीचे मणि मंडप में सुंदर सिंहासन पर विराजमान एवं सुंदरतम युवतियों से घिरे हुए स्वरूप में कल्पित किया जाता है। गंधर्वराज की साधना से जहां उपरोक्त सभी उद्देश्यों की पूर्ति के साथ इनकी साधना के द्वारा किसी बाधा या किसी कारण से रुके हुए विवाह को पूर्ण रूप से संपन्न हो जाते हैं। और भी इनकी साधना से बहुत सारे प्रयोगों को साधक जन संपन्न कर सकता है, जो कि पूर्ण प्रमाणिक है। इसके अलावा कुछ प्रमुख गंधर्वों की साधना संपन्न की जाती है, जिनके नाम जो है इस प्रकार से है। एक है तुम्बरु गंधर्व, गोपति गंधर्व, कामपति गंधर्व, धनपति गंधर्व, रत्नपति गंधर्व, रतिपति गंधर्व, ऊर्ध्वनाद गंधर्व, हयमुख गंधर्व, सिंहमुख गंधर्व और संघारमुख गंधर्व। साधना पक्ष केवल सिंहमुख गंधर्व और ऊर्ध्व गंधर्व को छोड़कर सभी की साधना पूर्णिमा से पूर्णिमा तक करें। इन दोनों की साधना केवल अमावस्या के अनुष्ठान से प्रारंभ की जानी चाहिए। और सर, कामपति गंधर्व की साधना मैं दे भी चुका हूँ आप लोगों को। तो इसमें जो यह वर्णन किया गया है कि जो सिंहमुख गंधर्व है और ऊर्ध्वमुख गंधर्व, ये जो दो गंधर्व हैं, इनकी साधना अमावस्या से करनी चाहिए, बाकी की आप पूर्णिमा से पूर्णिमा तक करनी चाहिए। जो इसका समय होता है वो रात्रि का होता है, रात्रिकाल होता है। स्थान इसके लिए जो होता है, गन्ने का खेत, केले का खेत, पीपल वृक्ष के नीचे, वट वृक्ष के नीचे, पर्वत या निर्जन वन में, आंवले के वृक्ष के नीचे। उपरोक्त स्थान की व्यवस्था के अभाव में आप घर के एकांत में इसको कर सकते हैं। साधना वस्त्र और माला। साधना काल में ज्यादातर गंधर्वों की साधना में श्वेत वस्त्र, श्वेत आसन कंबल का, साधना माला जो है स्फटिक की, जो इसमें प्रयोग करती की जाती है। साधना की जो दिशा होगी गंधर्व साधना के लिए, पूर्वाभिमुख अथवा उत्तराभिमुख, यानी कि पूर्व की दिशा की ओर मुंह करके या फिर उत्तर की दिशा की ओर मुंह करके साधना की जाती है। साधना मुद्रा जो है, गंधर्व साधना में अप्सरा साधना की तरह मुद्राओं का विशेष महत्व है, जैसे पद्म मुद्रा, तंबूल मुद्रा, योनि मुद्रा विशेषकर प्रयोग की जाती है। तो इस तरह की तीन मुद्राओं का प्रयोग मूल रूप से किया जाता है। जब संख्या और समय या 40 दिन का रखें, संख्या 1,25,000 जाप की है, इसमें 25 दिन की या फिर आप 40 दिन की जो है साधना का समय रख सकते हैं और लगभग 1,25,000, 1,25,000 जिसे कहते हैं, उतना जाप आपको करना चाहिए। हवन सामग्री जो है, जब पूर्ण होने पर हवन क्रिया हेतु विल्व या आम की लकड़ी, शुद्ध घी, शहद, शक्कर और हवन सामग्री से या गुग्गल और घी से दशांश होम करें। इसके अलावा उपरोक्त लकड़ियों में खीर से जो है हवन की संपादित किया जाता है। सभी गंधर्वों की साधना में आप इस विधि से हवन संपन्न कर सकते हैं, केवल उनके मंत्रों में ही भिन्नता होती है। साधना से पूर्व पूजन। सर्वप्रथम गंधर्वराज सहित किसी भी साधना को शुरू करने से पहले अपने गुरु से इस साधना को करने हेतु पूर्ण जानकारी प्राप्त करें और उनकी आज्ञा लेकर उपरोक्त साधना अनुसार सभी सामग्री लेकर चुने हुए स्थान पर गणेश पूजन, शिव शक्ति पूजन, गुरु पूजन, गंधर्वराज पूजन संपन्न कर फिर उपरोक्त किसी भी गंधर्व की साधना
गुरु आदेश अनुसार कवच बंधन, दिक बंधन, स्थान बंधन उपरांत पूर्ण सुरक्षा से जो है निशंक जाप प्रारंभ आपको करना होता है। यहाँ मैं गंधर्वों की साधना को संपन्न करने हेतु जानकारी देता हूँ, बाकी आप अपने गुरु से उपरोक्त किसी भी गंधर्व की साधना कैसे की जा सकती है उनसे जो है प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि उनको से आप ये चीज़ों को प्राप्त कर लें। अब यहाँ पर सिंह मुख गंधर्व साधना के विषय से हम बता रहे हैं कि अमावस्या से अनुष्ठान का प्रारंभ कर किसी भी निर्जन जंगल या एकांत या किसी पर्वत पर इसको किया जा सकता है। अमावस्या से अमावस्या तक यह साधना लगभग 1,25,000 मंत्र जाप कर संपन्न की जाती है। सिंह मुख गंधर्व मंत्र से हवन संपन्न कर सकते हैं और साधना करने के दौरान सिंह मुख गंधर्व गर्जना करता है आता है तब उसे प्रणाम करें और भिन्न रूप के साथ रहने के लिए जो है मित्र रूप से आप जो है उसको अपने साथ रख ले 3 वचन लेकर के आगे उससे जो है संकल्प ले सकते हैं। तो गंधर्व सभी अभीष्टों की पूर्ति करता है और मित्र रूप में आपका मार्ग प्रशस्त करता है। प्रभाव क्या है इसका? धर्म पथ पर चलते रहने पर सिद्ध गंधर्व सदैव प्राणों पर खेलकर भी आपकी सदैव रक्षा करता है। यदि साधक धर्म पथ छोड़ देता है तो गंधर्व भी साधक का त्याग कर देता है, उसके समस्त मार्गों को अवरुद्ध कर देता है। इसका जो मंत्र है वो है ओम नमो गंधर्व सिंह मुखाय नमः। तो ये है सिंह मुख गंधर्व साधना। अब है रत्नपति साधना के बारे में बता रहे हैं। तो ये रत्नपति गंधर्व साधना के लिए आपको आंवले के वृक्ष के नीचे रात्रि में बैठकर पूर्णिमा से पूर्णिमा तक, ठीक है, यानी उजाली वाली जो रात होती है, पूरा चंद्रमा जो होता है उसको पूर्णिमा कहा जाता है, उस पूर्णिमा से अगली पूर्णिमा तक नित्य 5,000 मंत्र जाप प्रति रात्रि करना है और अंतिम दिन आपको हवन संपन्न करना है। साधना पूर्ण होने पर स्वयं गंधर्व विभिन्न माध्यमों से धन की पूर्ण व्यवस्था कर देता है। साधना लंबे समय तक करते रहने पर इनका साक्षात्कार भी संभव हो जाता है। प्रभाव क्या है? रत्नपति गंधर्व की कृपा मिलने पर साधक सुख से जीने लायक बन जाता है। साधक को रत्न राशि हमेशा प्राप्त होती रहती है, किंतु इसको धर्म कार्य में खर्च करे, अधर्म करने से बचे, अन्यथा गंधर्व के कोप का भाजन भी बनना होता है। इनका जो मंत्र है वो इस तरह से है, ओम नमो रत्नपति गंधर्व रत्नम देहि देहि दापय स्वाहा। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा भेजी गई जानकारी से आवश्यकता अनुसार आप लोग भी लाभान्वित होंगे और अपने ज्ञान में वृद्धि करेंगे। एक बार फिर चैनल के सभी दर्शकों, सभी साधक मित्र भाई बहनों को नमस्कार, साथ ही साथ भाई साहब को प्रणाम, धन्यवाद, जय माता काली। अब आगे निर्देश दे रहे हैं कि मेरे द्वारा भेजी गई साधनाएं पूर्ण प्रमाणिक हैं। समय अभाव और वीडियो समय को ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ आंशिक यानी संक्षिप्त रूप से जानकारी प्रदान करने का पूर्ण प्रयत्न किया है, अतः सत्यता परखने, मजाक प्रदर्शन और दूसरों को बुरा करने के उद्देश्य से इसका प्रयोग ना करें। बिना गुरु के पूर्ण निरीक्षण और के बगैर बिना किसी सुरक्षा के साधनाएं भूलकर भी प्रयोग ना करें, क्योंकि इन शक्तियों का साथ शरीर का जो है संपर्क जुड़ जाता है और गलती होने पर ये आपको आसानी से नुकसान पहुंचा सकती है। डेट 28/7/2019, टाइम 12:20, पुष्प प्रकाश तिवारी, और बाकी इनका ईमेल नीचे लिखा हुआ है। तो ये इस तरह से ये साधना संपन्न की जाती हैं और इनके संबंध में जो है जानकारी और अधिक जानकारी के लिए आप अपने गुरु से प्राप्त कर सकते हैं और उनके माध्यम में ही साधनाएं कर सकते हैं। याद रखिए, गुरु के माध्यम से ही तांत्रिक साधनाओं को करें, और मैं तो पहले कहता हूँ कि पहले अपने आप को इतना ऊर्जावान जरूर बना लीजिए गुरु मंत्र के द्वारा, ताकि आपको इस तरह की कोई भी तांत्रिक साधना वगैरह आप करते हैं तो उसमें कोई नुकसान नहीं हो। ऐसे बहुत से वर्णन आपको देखने को मिल जाएंगे जिसमें हमारा जो है कई ग्रंथों में आया है कि गंधर्वों ने मनुष्यों को मार डाला। तो इसलिए गंधर्वों को सिर्फ नाचने गाने वाला ही समझना भूल होगी, और ये बहुत ही दिव्य शक्ति संपन्न शक्तियाँ होती हैं। तो इतना ही नहीं, आप अगर जो है कीलक पढ़ेंगे दुर्गा सप्तशती में, तो उसमें भी लिखा हुआ है कि माता की कृपा से गंधर्व बनता है मनुष्य अगर वो मंत्र का जाप करता है, वो सिद्ध हो जाता है, वो गंधर्व हो जाता है। तो यानी कि माता भी जो है गंधर्व बनाती, तो गंधर्वों को आप छोटी श्रेणी में नहीं रख सकते, ये देवता तुल्य व्यक्ति हो जाता है। इसलिए गंधर्वों की साधना में सावधानी बरतें और इनसे लाभ भी उठाएं। तो ये था आज का गंधर्व साधना संबंधी प्रयोग। अगर आपको ये पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फेसबुक
पेज पे जाकर उसे भी वहां लाइक करें और वहां भी वीडियो देखिए। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।